ये है दिल्ली दर्पण। डीएवी उत्सव 2018। अभी इस वक्त हमारे साथ निशा पेशेंट जी हैं, जो कि डीएवी के एक बहुत डायनामिक पर्सनालिटी भी हैं। तो उनसे जानते हैं कि आज इस डीएवी यूनाइटेड फेस्टिवल का जो आगाज हुआ है, उसको लेकर उनके मन में क्या बातें चल रही हैं। मैम, आगाज बहुत सुंदर हुआ है, जैसे कि हम देख सकते हैं हर तरफ पूरा एक मेले जैसा माहौल है, एक भव्य मेला, एक महाकुंभ। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। कल तक हम तैयारियों में जुटे हुए थे और आज हमें उसका फल दिख रहा है, और जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, और लोग चाहते हैं अंदर आना। हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग आना चाह रहे हैं अंदर, और सब तरफ से हर एक स्टेज पे लोग हैं और जम के प्रशंसा कर रहे हैं जो भी पार्टिसिपेशन हो रही है। अभी भी वो एक्टर अपार शक्ति जी का एक स्टेज पे चल रहा है। मेरा कहना यह है कि 7 जगह हैं और कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर जैम पैक नहीं है, जहां पे सब फुल हाउस जा रहा है। अच्छा, सारे ही डीएवी के स्कूल से एक साथ जब साथ में आए हैं, तो वो इस तरह का माहौल हो गया है कि मानो ये एक अपनी ही एक दुनिया, अपना एक देश है डीएवी का। तो क्या लगता है इसको देखिए? ये कहते हैं कि ये यूनिटी ऑफ डीएवी जो है वो यूनिटी ऑफ इंडिया को दर्शाती है, और अगर इसी तरह से जैसे डीएवी मिलजुल के काम कर रहा है, अगर सारा भारत करे, तो वो टाइम कम नहीं है जब हमारा नाम सबसे ऊंचा होगा। अच्छा निशा मैम, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि ये तो सफल हो गया, फर्स्ट सीजन हमें दिख गया है, तो नेक्स्ट सीजन का इंतजार हम कितने बेसब्री से कर सकते हैं? बहुत बेसब्री से कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि भाई हमें भी पार्टिसिपेट करना है, और नेक्स्ट टाइम का तो आप देखिए इससे भी बहुत बड़ा कुछ होगा, लेकिन वो सस्पेंस है, अभी नहीं बताएंगे। मैम हर बार एक सस्पेंस ज़रूर रखती हैं, तो मैम ने तो बता दिया है कि ये सक्सेसफुल है और अगली बार का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ और ज़्यादा खास देखने को मिलेगा। इस तरह की और भी चीज़ें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर